आज बनाएंगे हम पालक वाली पाव भाजी। आप इसे हरियाली पाव भाजी भी कह सकते हैं, हरी भरी पाव भाजी भी कह सकते हैं। नॉर्मल वाली पाव भाजी तो आपने कई बार बनाई होगी और खाई भी होगी, ये वाली आप एक बार जरूर ट्राई करना, पालक वाली पाव भाजी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना पालक वाली पाव भाजी। इसके लिए सबसे पहले मैं सब्जियां बता देता हूँ आपको। तो मैंने ये 2 शिमला मिर्च ली है, 1 पत्ता गोभी लिया है, लगभग 150 ग्राम का है ये, और 2 कच्चे आलू लिए हैं, और 1 टमाटर लिया है मैंने। टमाटर इसलिए कम लिया है ताकि कलर रेड ना हो, इसीलिए। तो ये सब्जियां हैं जो कि मैंने पहले ही पानी से वॉश कर ली हैं। अब हम पत्ता गोभी को रफली कट कर लेते हैं ऐसे ही। तो पहले नीचे का भाग कट करके मैंने अलग कर दिया है, और अब इसे हम रफली कट कर लेंगे ऐसे ही छोटे बड़े टुकड़ों में, क्योंकि इसे बॉयल करना है। और सब्जियों में आप गाजर ले सकते हो, बैंगन ले सकते हो, फूल गोभी आप ले सकते हो। तो ये देखिए, ये हमारी पत्ता गोभी है। मैंने पहले चेक कर ली कि अंदर से कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, और पानी से तो पहले ही वॉश कर ली थी। आप चाहो तो दोबारा भी वॉश कर सकते हो काटने के बाद। ये देखिए, सारी पत्ता गोभी हमने काट ली और मैंने कुकर में डाल दी है। इसी के साथ ही हम क्या करेंगे, बाकी की सब्जियां भी काट लेंगे। जैसे शिमला मिर्च है हमारे पास, तो इसका जो ऊपर का भाग है वो हम काट के अलग कर देंगे। जो बीच में होता है ना डंठल, इसे हमें काट के अलग करना है, और बाकी शिमला मिर्च हम पूरी की पूरी डाल देंगे कुकर में। तो पहले इसे भी हम रफली कट कर लेते हैं ऐसे ही छोटे बड़े टुकड़ों में। तो शिमला मिर्ची मैंने कट कर ली है, आप देख सकते हो, और ये भी हम डाल देते हैं कुकर के अंदर। तो शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी डाल दी, और 1 टमाटर मैंने काट के डाला है। अगर आप ग्रीन टमाटो ले रहे हैं तो आप 2-3 ले लेना, या मेरे पास रेड वाला था इसलिए मैंने 1 ही लिया है। 2 जो आलू थे वो हमने छील लिए, और अब हम इसको भी रफली कट कर लेंगे ऐसे ही, क्योंकि इसे भी बॉयल करना है। तो दोनों आलू भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। साथ में मैं डाल रहा हूँ इसमें हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, 1/4 टीस्पून, और साथ में हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार 1/2 छोटा चम्मच यानी कि 1/2 टीस्पून, और पानी डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा, लगभग 200 ml मैंने पानी डाल दिया है कुकर के अंदर। ढक्कन बंद करेंगे, गैस ऑन करेंगे और गैस पर रख देंगे। लो मीडियम फ्लेम पर हम 2 सीटी इसमें ले लेंगे। दो सीटी लेने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और कुकर को ऐसे ही रखा रहने देंगे, और इसकी जो गैस है वो ऑटोमेटिक ही निकलने देंगे। इधर मैंने 2 प्याज ली, दोनों प्याज को मैंने ऐसे ही रफली चॉप कर लिया, और साथ में मैं डाल रहा हूँ इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप लहसुन की कलियाँ डाल सकते हैं, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने गार्लिक पेस्ट डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप 10-12 लहसुन की कलियाँ और 1/2 इंच अदरक ले लेना, सबको एक साथ पीस लेंगे, बारीक पीस लेंगे, और ये मैंने बारीक पीस लिया है। आप देखिए, प्याज हमारी तैयार है। और अब हम क्या करेंगे, चलते हैं कुकर की तरफ। तो कुकर की गैस निकल गई है और सब्जियां हमारी बॉईल हो गई हैं अच्छे से। अभी मैंने कढ़ाई में पानी डाल के रखा है और गैस पर रख दिया है, पानी को बॉईल होने देंगे। उबलने के बाद हम इसमें डालेंगे ये पालक के पत्ते। पालक लगभग 400 ग्राम पालक था जो मैंने पहले ही पानी से वॉश कर लिया और थोड़ा सा पानी सूखने तक सुखा लिया। उसके पत्ते पत्ते मैंने लिए और डाल दिए उबलते हुए पानी में। हमें इसे ब्लांच करना है, ज़्यादा देर तक इसे बॉयल नहीं करना है, बस उबलने के बाद बस निकालिए और तुरंत ठंडे पानी में, जिसमें बर्फ़ के टुकड़े मैंने डाल के रखे हुए हैं, इसमें डाल देंगे, जिससे इसका जो ग्रीन कलर है वो बरकरार रहेगा। और अब देखिए ये तैयार है, इसमें से निकाल लेते हैं, स्क्वीज़ करते हैं और इसे भी हम पीस के तैयार कर लेंगे। तो सारा पालक मैंने डाल दिया है, साथ में मैं इसमें डाल रहा हूँ 4 हरी मिर्ची। आप धनिया के पत्ते डाल सकते हो साथ में 1/4 कप, और पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हो, फ्रेश पुदीने के पत्ते। और ये देखिए, ये मैंने पीस लिया है बारीक अपना पालक। पालक प्यूरी तैयार है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं, और उसी में जार में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने शेक कर दिया, और ये सारा पालक आ गया इसमें। और अब हम इसमें जो हमने बॉयल किया था ना, सारी सब्जियाँ बॉयल की थी, वो हम इसमें डाल देंगे। और इन्हें, यहाँ थोड़ी ज़्यादा सब्जी है तो मैं 2 बैच में तैयार करूँगा ऐसे पीस के। और इसमें से पानी भी डाल देते हैं, क्योंकि हमने पानी डाला था कुकर में। ढक्कन बंद करेंगे और इसे भी बारीक पीस कर हम तैयार कर लेंगे। तो ये हमने पीस लिया है, अब हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं एकदम। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है क्योंकि अब हम बनाएंगे पाव भाजी। इसमें मैंने रिफाइंड तेल डाल दिया है 1 टेबल स्पून, और बटर डाल दिया है, मक्खन 1 टेबल स्पून। बटर मैं ऑयल इसलिए डाल रहा है ताकि बटर जले ना। साथ में जीरा डाल दिया है मैंने 1/2 छोटा चम्मच, जीरा को भुनने देंगे।
जब हल्की सी भुनने की खुशबू आने लगेगी ना जीरा की, तब हम इसमें डालेंगे प्याज जो हमने प्याज पीस के रखी थी, दो प्याज थी, और लहसुन। प्याज और लहसुन और अदरक आपको पीसना है। मैंने यहाँ पे प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट लगभग 20 ग्राम था। और अब हम इसे भूनेंगे तब तक ये सुनहरी ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन होने तक। और अब देखिए प्याज हमारी भुन गई है, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी सारी सब्जियाँ जो हमने पीस के रखी हुई थी, और डालने के बाद फिर हम कुछ देर तक भूनेंगे, 4-5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर। साथ में मसालों में नमक डाल रहा हूँ मैं स्वाद अनुसार। नमक के साथ ही लाल मिर्ची पाउडर है 1/2 छोटा चम्मच, और हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, और सौंफ पाउडर 1 छोटा चम्मच। सौंफ जो साबुत सौंफ होती है ना, उसको पीस के पाउडर बना लीजिए। ये देखिए ये मैंने डाल दिया है पुदीना, सूखा पुदीना है, ड्राई मतलब पुदीने के पत्ते सुखा के मैंने डाले हैं। और ये मैंने डाल दिया है हींग 1 चुटकी। पुदीने के पत्ते मेरे पास नहीं थे तो मैंने वो जो पाउडर है पुदीना पाउडर वो डाल दिया है। आप फ्रेश पुदीना भी पत्ते यूज़ कर सकते हैं। पाव भाजी मसाला मैंने यहाँ पे 3 चम्मच भर के, ये चम्मच आप देख रहे हो जो घर पे होती है वही चम्मच से डाल रहा हूँ, 3 चम्मच भर के। और अब हम अच्छे से भूनेंगे मसालों को। जब भुन जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे अपनी पालक की प्यूरी जो भी हमने पीस के तैयार की थी, तो वो पालक प्यूरी हमने डाल दी है। और अब हम कुछ देर इसे पका लेते हैं, भून लेते हैं। और बाउल में थोड़ा सा पानी डाल दिया, कुछ भी चीज़ हम वेस्ट नहीं करेंगे, जो थोड़ा बहुत पालक बचा था वो भी सारा एक साथ डाल देते हैं। तो यहाँ अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी लगे तो आप पानी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फ्रोजन मटर डाल दी है 1/2 कप लगभग। फ्रेश मटर ले रहे हैं तो पहले उसे बॉयल कर लेना तब यूज़ में लेना। यहाँ मेरे पास फ्रोजन थी जो पहले ही प्री कुकड आती है, वो मैंने ली है। और अब कुछ देर भूनेंगे, भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी 1/2 छोटा चम्मच, और साथ में लेमन जूस, तो 2 नींबू का रस है जो मैंने छलनी से छान के डाल रहा हूँ ताकि इसके जो बीज हैं वो छलनी में ही रह जाएं। और ये हमारा नींबू पड़ गया, कसूरी मेथी डल गई। अब बस जो मक्खन है वो डाल देते हैं, लास्ट में मक्खन डाल देंगे 1 चम्मच भर के, 1 टेबल स्पून मक्खन। और अब हम इसे पकाएंगे फिर से। ये जो आप बबल्स देख रहे हो ना, ऐसे बबल्स उठेंगे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप बबल्स उठ रहे हैं, इसका मतलब है हमारी भाजी तैयार है। कुछ 3-4 मिनट तक और भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पर, लो मीडियम फ्लेम पर। और उसके बाद हमारी पाव भाजी बिल्कुल तैयार है, कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अगर गाढ़ा लगे तो पानी ऐड कर सकते हो। और गैस बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद सर्व करेंगे प्लेट में। तो भाजी हमारी बिल्कुल तैयार है, पालक वाली पाव भाजी। आप अगर अच्छा ग्रीन कलर चाहते हो तो पालक की क्वांटिटी बढ़ा देना, बाकी सब्जियां कम कर देना, और ग्रीन सब्जी जैसे ग्रीन टमाटो ये सब आप डाल देना ताकि आपकी पाव भाजी कलर ग्रीन आए। अभी तवे पे मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के रखा है और बटर डाल दिया है ताकि बटर ना जले, इसलिए हम ऑयल साथ में डालते हैं। और बटर की क्वांटिटी आप ज़्यादा डाल सकते हो, मैंने बराबर की मात्रा में डाली है। और पाव भाजी मसाला डाल दिया हल्का सा, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और अब हम अपने पाव सेकेंगे इस पर। आप नॉर्मली बटर डाल के और बटर डाल के भी पाव सेक सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप मसाला डालो और ये सब डालो। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मसाला मत डालना। और अब हम इसे घुमा घुमा के अपने पाव को तवे पे, पाव तवे पे घुमा घुमा के देखेंगे। अभी देखिए हल्का सा सिक गया है, अभी पूरा अच्छे से नहीं सिका है। जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जा रहा तब तक हमें सेकना है। ऊपर बटर लगा देते हैं पाव के, और देसी घी में भी आप सेक सकते हो पाव। तो ये मैंने पाव पे मक्खन लगा दिया है अच्छे से ऊपर। और अब देखिए आप इसका कलर दिखाता हूँ मैं आपको कैसा सिका है हमारा पाव। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है ऊपर से, थोड़ा सा अच्छा लगेगा बस प्लेटिंग में। और पलटा ले लेते हैं स्पैचुला, उससे आसानी से हम उठा पाएंगे। अगर आपको हाथ से उठाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पलटा यूज़ कीजिए स्पैचुला। ये देखिए अच्छे से सिक गया है, प्लेट में रख दिया है, और ये हमारी पाव भाजी तैयार है। लेकिन बटर बाकी है, धनिया बाकी है, थोड़ा सा मक्खन डाल देते हैं भाजी के ऊपर, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से। तो ये हमारी पाव भाजी की प्लेट बिल्कुल तैयार है, और इतनी भाजी बनी है लगभग 6 से 8 मेंबर के लिए ये सफिशियंट है। और ये देखिए पाव अच्छे से सिके हैं हमारे, भाजी एकदम बढ़िया बनी है। बस इंजॉय कीजिए। प्याज सलाद में आप प्याज ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, हरी मिर्ची ले सकते हैं। तो ये हमारी पाव भाजी बिल्कुल तैयार है। वीडियो आपको कैसी लगी, ये रेसिपी कैसी लगी, आप हमें ज़रूर लिखिए, कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी।